हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि फर्स्ट क्लास एसी की जर्नी कैसी होती है एंड हमारी एसी की जर्नी कैसी थी फर्स्ट बहुत क्लास में। दुपहरी होती है भाई। दुपहरी नहीं होती है बट बताती हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको प्रिशा को दिखाती हूँ कि प्रिशा की गुड मॉर्निंग कैसे हो रही है। तो प्रिशा मस्त नींद लेते हुए, हाँ प्रिशा सारे ही सुख एंजॉय करते हुए अपने लाइफ के मस्त में आराम से सो रही है मैडम। तो इमारतें बनी हुई हैं फिर से। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये चुका हूँ। सुमन आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी, सो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई, सुमन की भी गुड मॉर्निंग हो गई। शी इज हैविंग थ्रोट, सो ये वीडियो काटना पड़ेगा। तो प्रिशा अभी भी सो रही है। चाय चाय ये यहाँ पे चाय नहीं नहीं चाय लिया। चाय चाय सो मैंने ट्रेन में चाय ले ली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलगाड़ी और चाय का रिश्ता कुछ ऐसा है कि आपको स्वाद वाली चाय मिलना इत्तफाकन ही हो सकता है, वरना ऐसे ही आपको अच्छी चाय मिल जाए ये मुश्किल है। तो पीते हैं सुबह की पहली चाय। अभी अभी जस्ट हम गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ये सुमन, ये हमारे प्यारे मौसा जी, ये मौसी, ये बड़ी मौसी, ये छोटकू छोटकी और ये प्रिशा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। चलते हैं फटाफट से अंदर और दर्शन करते हैं। बढ़ो हो भैया। सारा लगेज लेकर हम पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर, यहाँ पे दर्शन करते हैं। हमारी जो बस है खाटू श्याम के लिए वो 2 बजे है। तो यहाँ का सब निपटा के थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर बस के लिए निकलते हैं। तब तक मैं आपको गोरखनाथ महाराज के दर्शन करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं गोरखनाथ के परिसर में। ये गोरखनाथ मंदिर की मेन एंट्री है जहाँ से हम दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। प्रिशा काफ़ी जिद कर रही है, लोट पोट गई है, उसको गोदी में रहना है सिर्फ। और सुमन थक गई है, उसको लेके मैं भी लूँगा बाद में। तो ये मेन परिसर है, आपको चारों तरफ में दिखा देता हूँ। ये गोरखनाथ के परिसर में हम आ गए हैं और ये मेन एंट्री है जहाँ से हमको दर्शन मिलता है अंदर जाने का। तो फटाफट से अंदर चलते हैं। होशियार के होशियार हैं, कोई ज़्यादा होशियारी कर रहा कोई कम, बट हम पहुँच जाएंगे जल्दी ही। अरे यार, मेरा भी तो फोटो आना चाहिए। इनका भी फोटो आना चाहिए, काफ़ी निराश। यार कुछ भी करते यार, परमेश आ तो रहा भाई, अब कैसा दिखेंगे क्या यार। राम नारायण तुम्हें सबका। हाँ परमेश वर्मा, आपन बताओ। अरे हमारा तो नाम है सानू वर्मा। और एक गाना बना था आपके नाम के ऊपर, पता है कि नहीं? अरे वो सब सुन लो, सानू कैंदी वाला गाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो। मूड खराब है, नो गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर दैट। रखने के लिए धर्मशाला में आ चुके हैं। प्रिशा फाइनली उतर चुकी है, बड़ी मौसी झोला 50 किलो का लेके, छोटकी मौसी 20 किलो का झोला लेके, और सब हम धर्मशाला के अंदर जा रहे हैं। ये आप धर्मशाला देख सकते हैं, और यहाँ पे हम एक रूम लेंगे जहाँ पर हम अपना सामान होल्ड कर सकें और दर्शन के लिए जा सकें। तो अंदर चलते हैं। इसके बाद हमें एक कमरा मिल गया, कमरा नंबर 9, जहाँ पर सफाई पुताई रंगाई चालू है, बट वो हमें अलॉट कर रहे हैं। तो 3 से 4 घंटे का समय हमें मिलेगा, पूरा गोरखनाथ घूम लेंगे। उससे पहले नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी प्रक्रिया है घूमने से पहले की पूरी करते हैं। पूरी पलटन नॉन स्पॉट हो गई है, बैग वैग लेके आ चुकी है। तो चलते हैं कमरे की तरफ, जब चाचा देते कमरा। सो अगेन ये एक सरप्राइज ब्लॉग है एंड जो हम गोरखपुर क्या तो क्या कर रहे हैं दर्शन गोरखपुर दर्शन के लिए सब एकत्रित हुए हैं। ये देखिए हमारा पंडाल, वर्मा पंडाल, हमारा फैमिली पंडाल एंड ये सब ने अपने घर से लिट्टी चोखा और यारा मिर्चा, भरवा मिर्चा, चटनी, ठोकवा है और क्या है, और फारा, और ये सारे बच्चे मस्ती करते हुए। और ये आरव, हाय आरव, आरव आरव एकदम बिजी है अपने फोन में, तो उनको दुनिया दिन दुनिया से। अरे देखो मम्मा आई आ गई आ गई आ गई। अरे 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 ये धर्मशाला से हम निकल चुके हैं। वहाँ पे हमने नाश्ता, लिट्टी चोखा, ठुकवा का ठप्पा, पता नहीं क्या क्या खा लिया, ठुकवा नहीं ठुकवा मौसा जी बता रहे हैं। तो सारी पलटन निकल चुकी है दर्शन के लिए। ये हमारी प्रिशा बहुत उत्पात मचा रही है, इसको कैसे समझाया जाए। अरे हमारे मौसा एक एक जुमला मार कर हम लोग को पगलवाए हैं, फिर भी पागल हम हुए हैं, पागल खाने में इनको भर्ती करेंगे चल के अभी। और ये प्रिशा हमारी एक गोरी गोरी मौसी आ रही हैं। कहीं मौसी तो ये मौसी
और बढ़ते आगे और ये हमारे समधी हैं, फर्स्ट टाइम समधी इन द वीडियो। भाई हमारे भाई भाई समधी कट, हम लोग भाई भाई हैं और साली साली। बोलो गोरखनाथ की। अरे जय लिट्टिया कहाँ गए कुल। गोरखनाथ के परिसर में पहुंच चुके हैं, आप सामने गोरखनाथ मंदिर देख सकते हैं। एंड काफ़ी साल पहले, 7-8 साल पहले मैं गोरखपुर में अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर रहा था, तो मैं यहाँ काफ़ी आता था और अभी सीधा 7-8 साल के बाद ही आया हूँ। आप ये मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है मंदिर, सामने से भी आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैं काफ़ी दूर से वीडियो ले रहा हूँ। ये उद्यान देखिए यहाँ के कितने अच्छे लग रहे हैं, मंदिर तो काफ़ी प्यारा लग रहा है नीले नीले आसमान में। ये पूरा गोरखनाथ मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं, अंदर भी जाएंगे दर्शन करने, बट जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे वो वीडियो के थ्रू दर्शन पा सकते हैं। ये पूरा परिसर यहाँ का, और ये श्री हनुमान जी का मंदिर है ये, और ये बाबा गोरक्षनाथ का मंदिर है। सब यहाँ पे जूता चप्पल निकाल रहे हैं, दर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, जूता निकाल के फटाफट से मंदिर के अंदर चलेंगे, किसी का जूता चोरी हो जाए हम यही मनाते हैं और उसके बाद वो परेशान हो। ये गोरखनाथ के दर्शन कर चुके हैं और बाहर निकल आए हैं। एंड ये पीछे एक मंदिर और है हमारे, जहाँ पे बाकी सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। उषा काफ़ी चिल्लम चाली कर रही थी, मैं नहीं जा पाया, बट हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा पीपल का पेड़ देख सकते हो आप, ऐसा पेड़ देखने को मिलता है तो मन खुश हो जाता है। सो दिस वेरी नाइस, देखो गागू है ना, ये देखो गागू। तो बाकी सारे अंदर दर्शन करने गए हैं दूसरे मंदिर में, मैं यहाँ प्रिशा के साथ इन्वॉल्व हूँ क्योंकि इनको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो थोड़ी देर इनको संभालते हैं और ये पैसों से खेल रही है। देखो प्रिशा प्रिशा 1-2 करो। ठीक है सर। ये तालाब है गोरखनाथ मंदिर में, जहाँ पर बोट राइडिंग के लोग मज़े लेते हैं, बट आज हम बोटिंग नहीं करने वाले हैं, धूप काफ़ी है। और ये मेरे टाइम में नहीं था जब मैं इधर पढ़ता था, ये शायद फव्वारे का सेटअप किया गया है। तो नाव चलाने जा रहे हैं क्या? नाव चलाने जा रहे हैं, नाव चलाने जा रहे हैं। चू के दर्शन कर कर हम फ्री हो चुके हैं और ऑटो आ चुकी है, अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा खाटू श्याम की बस के लिए, वहाँ की बस पकड़ेंगे और सीधा निकलेंगे खाटू श्याम। कल सुबह हम खाटू श्याम में होंगे तो वहाँ के नज़ारे देखेंगे, फिलहाल आप ऑटो की सर्विस देख लीजिए भाई। बढ़िया बहन भैया, एक को गिर गया तो बुखार हो जाए हमारे। तो ये हमारी बस है, मैं चलते समय नहीं ले पाया था वीडियो, बट हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने वीडियो ले लिया। हम खाटू श्याम के लिए इस बस से निकले हैं। एंड ये सारे उतरे हुए हैं चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, शाम हो गया है और रात में भी कई खाने के लिए रुकेंगे, तो ये लोकेशन है खाने की। एंड बस काफ़ी अच्छी है, लग्जरी है, अच्छा लगता है इसमें। सब भूखे हैं बेचारे लेकिन खा नहीं सकते, इसके बाद बस कहीं रुकेगी नहीं। ये देखिए भूखेड़े चेहरे, फिलहाल अभी हम 12 बंकी पहुँचे हैं और यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो लगातार सीधे चलेगी बस, कहीं नहीं रुकेगी रात को। तो ड्राइवर ने हमसे यह कहा जो भी खाना पीना आप यहीं खा लीजिए, क्योंकि अब जयपुर पहुँच के ही कुछ खाना पीना होगा, तो लंबी जर्नी है और अभी किसी को भूख भी नहीं लगी है, बट रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है मैनेज करेंगे, लंबा सफ़र है, देखते हैं चलते हैं। तो ये हम बैठे हुए हैं लग्जरी बस में, जहाँ पे डबल बेड सिंगल बेड का ऑप्शन है, हमें जो ऑप्शन मिला है डबल बेड का मिला है। मैं सुमन प्रिशा उसी कंपार्टमेंट में है, बाकी काफ़ी सारे लोग नीचे बैठे हैं, काफ़ी लोग का सिंगल कंपार्टमेंट है।
एंड आप ये देख सकते हो काफ़ी ऊपर की हाइट पे बैठे हुए हैं। एंड अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कूल कंपार्टमेंट है, सुविधाएं हैं, चार्जर की सुविधा है, तो अच्छा ही है ओवरऑल। प्रचाव से हाय बोलो, हाय। तो थोड़ा पहले मैं डाउट में था कि बाय रोड जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट बस के अंदर हैं सुविधाएं ठीक ठाक। और अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं हाईवे को सीधा, तो रात में कहीं गाड़ी रुकेगी कि नहीं, सीधा शायद जयपुर जाके ही रुकेगी। तो जिसको जो थोड़ा बहुत खाना था या पैक कराना था हमने वो कर लिया है, एंड कंपार्टमेंट काफ़ी लग्जरी और आरामदायक बनाया है। थोड़ा चढ़ने उतरने में दिक्कत है, बट ओवरऑल देखें तो अच्छी सर्विस है, अच्छी बस है, अच्छे से आप रिलैक्स होकर जा सकते हैं। तो बस हमारी खाटू श्याम आ चुकी है, हम खाटू श्याम जस्ट पहुँचे हैं। ये प्रेशर बॉटल लेके रो रही है वहाँ पर, एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। वी आर एट खाटू श्याम। ये खाटू श्याम की मेन एंट्री गेट है, तो धूप होने के कारण दिख नहीं पा रहा खाटू श्याम जी का नाम, बट हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड काफ़ी क्राउड है, होटल में जगह नहीं मिल रही है। लस्सी, पूरा कचर पट्टी मचा हुआ है भैया यहाँ बालाजी में, द्वंद युद्ध चालू है, बच्चे खा रहे हैं, पोंख रहे हैं, ये काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये रूम हमने लिया है, काफ़ी दिक्कतों मनोस्थिति सही नहीं थी। फिर से हक कर दो एक बार, हक कर दो हक करो राधा रानी होटल में रुके हुए हैं, अभी सारे लगभग तैयार हो चुके हैं, फिर यहाँ से हम दर्शन के लिए निकलेंगे। प्रिशा और ट्विंकल काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट से यहाँ निकलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, मार्केट के बीच से होते हुए निकलेंगे। तो चलते हैं और बाबा खाटू श्याम महाराज के दर्शन करते हैं। जय खाटू श्याम बाबा की। तो अभी हम सारे मंदिर के लिए निकल रहे हैं दर्शन करने, ये रिक्शा मिल गया है, तो रिक्शा से मंदिर पे जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो फुल हो गया रिक्शा, पहुँचते हैं फटाफट मंदिर पे। तो मंडली बैठ चुकी है, दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। ये रिक्शा जो है फुल तरह लोडेड हो गया है, एक आदमी की कमी है, अमित जी आ रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं फटाफट से यहाँ। नहीं नहीं, आओ साथ में, आओ साथ। तो अभी हम मंदिर के मेन गेट पे आ गए हैं और प्रेशर सो चुकी है, बाकी सारे लोग पीछे आ रहे हैं। एंड ये मेन गेट आप देख सकते हो, मेरे में गेट ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दर्शन करते करते ही धूप में चलते थोड़ी सी शायद प्यास लग गई है, तो नींबू पानी पीने का इंतज़ाम हो रहा है, अभी दर्शन अभी भी करना बाकी है। हाँ, तो पिशा को सुलाते सुलाते गन्ने का रस इंजॉय करते करते दर्शन किया जा रहा है। तो खाटू श्याम जी तक जाने में पूरी एनर्जी रहे ताकि हम भक्ति भाव से उन पर ध्यान लगा सके, तो इसलिए लोग थोड़ा फलहार जूस पीते हुए चल रहे हैं। तो अभी हम मिठाई की दुकान पे आ चुके हैं जहाँ पे प्रसाद सबको लेना रहता है, सब प्रसाद ले रहे हैं। तो यहाँ से प्रसाद लेकर फिर हम बाबा जी के मंदिर की तरफ जाएंगे। एंड ये
सड़क गया उसका भाई। सीधा जाना रहता ना, सीधा जाना रहता है। भीड़ तो आ ही रही है अपने आप, बस हो गया ले लिया। बोलो खाटू श्याम महाराज की। हो गए दर्शन, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ मंदिर का। तो फाइनली हम लोग श्याम कुंड आ चुके हैं। ये श्याम कुंड है, ये है श्याम कुंड, और हम श्याम कुंड के, तो अभी हम श्याम कुंड पहुंच चुके हैं। श्याम कुंड में जाएंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर पानी डालेंगे और दर्शन हम कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं। तो फटाफट से नीचे चलते हैं। त्रिशा ये देखिए, यहाँ पर गाने की प्रतियोगिता होने वाली है श्याम कुंड और महाराज जी के दर्शन करने के बाद। ये लेडीज लोग यहाँ पे बैठे ली हैं। खड़ा होने का मौका तो मिला अच्छे से। ये राधा कुंड है, लास्ट टाइम हम आए थे तो राधा कुंड हम नहीं जा पाए थे, तो आप देख सकते हो। बोलो ना। तो अभी हम दर्शन कर चुके हैं श्याम कुंड, और अंदर एक कुंड और था, उसका नाम मुझे पता नहीं, राधा कुंड, राधा कृष्ण कुंड था। और अभी हम आ चुके हैं खाना खाने मूल भी होटल रेस्टोरेंट में, तो चलते हैं फटाफट अंदर, लस्सी खाना ये सब खाते पीते हैं। और चलो आप तुम जाओ पीछे। तो फाइनली हम टेबल पर आ चुके हैं, प्रिशा को तो वीडियोस ही देखने हैं। और ये रही हमारी खाटू श्याम की लस्सी, जिनको जिनको यमी लग रहा हो आके यहाँ पी सकते हैं।
और हमने पंजाबी थाली ऑर्डर कर दी है, तो वेट कर रहे हैं थाली का, जैसे आएगी फिर खाते हैं। भाई एक थाली और कर दीजिएगा पापड़। हाँ वाह यम्मी। सो फाइनली हम चेकआउट कर चुके हैं। ये हमारा होटल था राधा रानी सेवा सदन, और हम चेकआउट करके जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, वहाँ से बस करेंगे मेहदीपुर बालाजी के लिए। तो मूव करते हैं एंड चलते हैं मेहदीपुर बालाजी की तरफ। तो यहाँ से हमारी निकलने की तैयारी हो चुकी है, हमने दो ई रिक्शा बुला लिया है, तो फटाफट से चलते हैं बस स्टैंड पर, कुछ खाते पीते हैं, फिर मेहदीपुर बालाजी का प्लान करते हैं और निकलते हैं। ये इन लोग के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, बट इट्स ओके। ₹50 भट्टा बैठ गया, साला सर जाएंगे साथ तो भट्टा बैठ गया। दादा मत बोलो, ये भैया ₹40 लेंगे। अरे वो मैं चलो सस्ता जुगाड़ ₹10। हाँ बोलिए मैं भी आऊँ। खाने जा रहे हैं, अभी खाना नहीं मिला, अभी मिलेगा, खाएंगे बको बको बको। खाना आ चुका है, खाना खाते हैं फटाफट, तो चलते हैं मेहदीपुर बालाजी के लिए बजरंग बली की। मेहदीपुर बालाजी जाते जाते हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं, सारे कुछ खाया पिया नहीं है, बस फालतू में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है। फिर अभी फटाफट हम लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर बालाजी पहुंच जाएंगे, वहाँ होटल लेंगे और सुबह सुबह दर्शन करेंगे। मौसी का जुगाड़ अगले ट्रिप का कब बनाया जाए प्लान, तो यही सारी चीज़ें चल रही है। हमारे लड़के वहाँ उठ गया खबर हुआ था, अर्जी डालो पहले कि अगला ट्रिप जाना है, कौन कौन हाजिर हो रहा है, वो उतना पैसा इकट्ठा करे, बाद में नाटक ना करे, पैसा देंगे। ये भी बात सही है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हम बालाजी रात को 3:30 बजे पहुँचे थे, बहुत थके हुए थे, बहुत नींद लगी हुई थी, अभी को थोड़ा सोकर उठे, हम फ्रेश हुए हैं और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन है। तो सुमन 2-3 बार जा चुकी है, देख चुकी है कि दर्शन शायद 9:30 को निकलेंगे हम, बट जो मेन चीज़ है बालाजी का पानी, उसके लिए हम नीचे जा रहे हैं, शायद अगर जुगाड़ लगेगा तो मिल जाए। उससे पहले राम मंदिर शिव मंदिर का थोड़ा सा चित्रण आपको दिखाते हैं कि कैसा है, क्या है ना। इन्होंने देखिए माथे पर श्री राम भी लिखवा लिया है, तो फटाफट से पहुंचते हैं। अच्छा ओके सॉरी, अभी भी नींद में हूँ मैं। ये मुख्य बात जहाँ से पहुँच रहे हैं, जय बालाजी महाराज की, बालाजी सरकार की जय, जय हनुमान, जय जय हनुमान। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है ये बालाजी के दरबार में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन है, कम से कम 40-50 हज़ार लोग दिख रहे हैं, बट कोशिश करते हैं पहुँचने की, लगे हुए ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है जल लेने के लिए,
और जल मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि 8 से 9 का ही समय है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और सुमन ढूंढ रही है कॉन्ट्रैक्टर को जो हमें जल देने वाला था। मिलेगा जल कि नहीं सु, बताओ? अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आते हैं और आपको जल चाहिए तो सुबह उठकर 5:30 बजे से लाइन लगाएंगे, तब तो मुमकिन हो पाएगा जल पाना, 4-5 घंटे के सफ़र के बाद जो लाइन में आप सफ़र करेंगे। ऐसे ही आप 8 बजे 9 बजे लाइन में आएंगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा जल। आप जुगाड़ है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यह है राम मंदिर, शिवलिंग किधर है? शिवलिंग किधर है? ज़्यादा ऊपर है क्या? मैं इधर से प्रेशर लेकर नहीं चढ़ पाऊँगा। हमने जो है श्री राम मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना अंदर से, देखने में ऐसा लगता है कि इसके कारीगरों ने कितना काम किया होगा उसके खूबसूरती पर, उसके टेक्निक्स पर। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, मैंने वीडियोस में थोड़े फुटेजेस लिए हुए हैं। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चढ़ के गए भगवान शिव शंकर की पूजा करने, जो भी हो गई। अब जो लास्ट बचा हुआ है उसका ये कि पानी हमें तो नहीं मिल पाएगा, मुश्किल लग रहा है, बट बालाजी के दर्शन के लिए हम थोड़े टाइम के बाद निकलेंगे ज़रूर। तो अभी चलते हैं रूम पर, प्रिशा अभी भी सोई हुई है, उसको जगाते हैं, तैयार करते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर निकलते हैं सरकार बालाजी के दर्शन के लिए। मौसी और हमार छोटकी मौसी जा रही हैं, मतलब प्रिशा जग चुकी है। प्रिशा बोलो गुड मॉर्निंग, देखो प्रिशा 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 गुड मॉर्निंग। अरे अरे अरे, प्रिशा जा रही है बालाजी के दर्शन करने, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हम पहले ही निकल रहे हैं। आए प्रिशा, तो बहुत शुक्र हो कि सुबह सुबह हम जब वापस आए प्रसन्न उठकर खाना खा लिया, एंड अब हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन के लिए, क्योंकि टाइम लगने वाला है तो दर्शन कर लेते हैं। तो पहुंचते हैं फटाफट प्रिशा के साथ। प्रिशा देखो इधर, इसका नाम भी है, इसकी तो बड़ी फसल है, इसने ब्रेक कर दी, कमी बनी है, वो अपने मुख्य यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। प्रिशा मेरे ऊपर बैठे हैं, हाय बोलो प्रिशा, हाय, जय करो जय करो। अभी हम मौसी और सुबह प्रशा बालाजी के दर्शन कर चुके हैं, प्रेम सरकार के दर्शन कर चुके हैं। थोड़ी देर लगी पर दर्शन अच्छे से हो गया, उतनी भी भीड़ नहीं थी, बस पानी हमें नहीं मिल पाया। तो जय हो बालाजी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय। दर्शन हो गया है, हम अपने होटल का रास्ता भूल गए, जबकि सुमन जी सुबह से घूम रही हैं, बट कोई बात नहीं, फटाफट होटल चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होकर फिर आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं। हो गया है, सुबह लगी है 7 बजे से और आखिरकार अमृत हासिल करके लाए हैं, पानी 1.5 लीटर। ये देखिए बाबा जी की भवमूर्ति भी लाए हैं, दर्शन भी करके आए हैं, बहुत मशक्कत के बाद दर्शन, बहुत बहुत बहुत। अब एक एक देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एक एक चुटकी 1.5 करोड़ का बिकेगा, बहुत महंगा है भैया। अभी हमारा बालाजी से सारा कुछ हो चुका है, दर्शन हम कर चुके हैं, खाना पीना खा चुके हैं, जो भी हॉल्ट स्टे करना था कर चुके हैं। अभी हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए, वृंदावन।
गाड़ी हमने बुक करी है और थोड़ी देर में हम लोग मथुरा लिए निकलेंगे आधे घंटे में। तो चलिए आपको मथुरा दिखाते हैं। तो अभी हम बालाजी से वापस जा रहे हैं मथुरा के लिए। कुछ पलटन जाएगी गांव, कुछ पलटन वहीं टिकेगी। और ये पलटन जो मुख्य टोपी के किरदार में है, इनका असमंजस है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। टिकट बेचेंगे तो रुकेंगे, नहीं बेच पाएंगे तो जाएंगे। और ये देखिए गाड़ी हमारी निकल चुकी है टवेरा मथुरा के लिए। सर बैठे हैं सूखे पू। अच्छा, उनका सू है तो तुम्हारा पू है। मेरा पू कैसे होगा?